भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह कुछ करे और वो सुर्खियां न बने, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, इस बार भी पवन सिंह ने अपने दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए कुछ खास किया है। पहले तो आप ये फोटो देखिए। पवन सिंह बने हैं भोले बाबा। जी हाँ, अपने आने वाले सावन के एल्बम में पवन सिंह इस बार भोले बाबा का किरदार निभा रहे हैं और इस एल्बम में उनका साथ देती नजर आ रही हैं अक्षरा सिंह की बेस्टीज यानी कि बेस्ट फ्रेंड आम्रपाली दुबे। जी हाँ, आजकल आम्रपाली दुबे और पवन सिंह की जोड़ी कुछ ज्यादा ही दर्शकों को पसंद आ रही है कि हर एक जगह वो दोनों साथ नजर आ रहे हैं। मुंबई में उनके सावन के एल्बम की शूटिंग शुरू हो गई है और वो लगभग खत्म भी हो चुकी है और जल्द ही सावन का ये एल्बम और ये ऑडियो वीडियो आप सभी दर्शकों के सामने होगा। खैर, ये तो रही ऑन स्क्रीन बातें जो हमने अच्छी अच्छी आपको बताई। खैर, अब उससे भी अच्छी बातें आपको हम बताने वाले हैं क्योंकि कुछ स्पेशल हम स्पेशल भोजपुरी पे न बताए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने गौर किया होगा कि पवन सिंह बने हैं महादेव, तो उनके रियल लाइफ में उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योति सिंह हर सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं और वो महादेव को बहुत दिल से मानती हैं। जैसे ही ज्योति सिंह को पता चला कि अपने गाने में पवन सिंह महादेव बनने वाले हैं, वैसे ही महादेव के दर्शन करने पवन सिंह के सेट पर यानी कि जो एल्बम शूट हो रही थी उस सेट पर ज्योति सिंह पहुंच गए। कहा जा रहा है कि जैसे ही ज्योति सिंह ने पवन सिंह को इस गेटअप में देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाई और झट से जाके पवन सिंह के पैर छू लिए। ये देख वहां सभी लोग हतप्रत रह गए। क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ज्योति सिंह ने किसके पैर छुए, भगवान शंकर के या फिर अपने पति देव के। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो ज्योति ने हंस के कहा, दोनों के। वैसे पवन सिंह भी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और ये एल्बम आते ही यकीन है कि दर्शकों ने जैसे पवन सिंह को हर रूप में प्यार दिया है, वैसे ही उन्हें भोले बाबा के रूप में भी प्यार देंगे और पवन सिंह के एल्बम के लिए हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। भोजपुरी जगत की मसालेदार और हॉट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।